छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश हो गई। 2016 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। 2016 से 2022 तक 33 करोड़ से ज्यादा की दवाएं एक्सपायर, करीब 50 करोड़ के मेडिकल उपकरणों का नहीं हुआ उपयोग। सीजीएमएससी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से करीब 24 करोड़ की दवाएं खरीदी। कोविड के दौरान बिना अनुशंसा 23 करोड़ की दवाएं खरीदी। 838 स्वास्थ्य संस्थानों के पास अपना भवन नहीं है। 42 सीएचसी में ब्लड बैंक नहीं है। ये खुलासा विधानसभा के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2022 तक स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती में काफी अंतर है। 23 जिला अस्पतालों में 33% विशेषज्ञ डॉक्टर कम हैं, पैरामेडिकल स्टाफ 13% तक कम है। सीएचसी में 72% स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम हैं, 32% नर्स और 36% पैरामेडिकल स्टाफ कम हैं। कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट चालू नहीं है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है। हृदय रोग और न्यूरो साइंस विभाग का ओपीडी अभी भी बंद है। कैग रिपोर्ट में 2016 से 2022 के बीच सीजीएमएससी की गंभीर खामियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीजीएमएससी ने 3,753 करोड़ रुपए की दवाएं, उपकरण और अन्य सामान खरीदा। खरीदी में भारी अनियमितताएं पाई गईं। मेडिकल सामानों की सेंट्रल एजेंसी होने के बावजूद 27 से 56% खरीदी स्थानीय स्तर पर हुई। 278 निविदाएं सीजीएमएससी की ओर से निकाली गईं। इनमें से 165 टेंडर 2-2 साल तक फाइनल नहीं हो पाए। वक्त पर सप्लाई नहीं होने से महंगे दाम पर खरीदी हुई। कैग रिपोर्ट पर सरकार और पक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। ये सन 2022 तक की सीएजी की रिपोर्ट है, और यदि कांग्रेस के नेता अगर कहते हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट उनके ही कार्यकाल की आई हुई है। सीएजी ने जिस प्रकार से रिपोर्ट दिया है उसमें खरीदियों में कई गड़बड़ी की उसमें उन्होंने बात कही है। डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञों की, पैरामेडिकल स्टोर्स की कमी है। मैं इन सारे बातों को सही मानता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमने डॉक्टरों का और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमारे जमाने में जो मलेरिया के उन्मूलन के लिए, डायरिया के उन्मूलन के लिए जो काम हुए हैं वो बहुत बेहतर काम हुए हैं, और जैसा चाहते थे आदरणीय सिंह देव जी कि उनको फ्री होके जो काम करने दिया जाए, कि वो विदेशों के तर्ज पर यहाँ स्पेशलाइजेशन के कुछ अस्पताल अलग से खोल सके, वो शायद नहीं खुल पाए। इसका हो सकता है कि की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी, मगर काम हमारा अच्छा था, हमारा नाम बदनाम हुआ वो अलग बात है। कैग की रिपोर्ट के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैग की अनुशंसा पर सरकार जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करती है। रायपुर से बंसल न्यूज के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।